वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सेशन। आई एम मयंक शर्मा, योर फिजिकल एजुकेशन टीचर। जैसे कि सारे सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वैसे ही गेम भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गेम से आपकी फर्स्ट कि आपकी फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव होती है, उसके साथ साथ आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। गेम के साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज से हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं और उसके साथ साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो हर वीक में आपके लिए गेम के साथ साथ एक्सरसाइज की वीडियो लेके आऊंगा। उस गेम को आप इंडोर भी खेल सकते हैं, आउटडोर भी खेल सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर के साथ आप वो गेम को इंजॉय कर सकते हैं। एक्सरसाइज करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी तो आपके इंजरीज के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये एक पॉइंट है बहुत जरूरी कि हमें हर गेम खेलने से पहले थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज, गेम खेलने के बाद हमें कूल डाउन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मसल्स जो होते हैं गेम खेलने के बाद टाइट हो जाते हैं। अगर हम उसको अच्छी तरह से स्ट्रेच नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी टाइट हो जाएगी, जिससे इंजरीज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस वीक में आपके लिए एक्सरसाइज लेके आया हूं, एक्सरसाइज की वीडियो, जिसे आप अपने घर में कहीं भी कर सकते हैं। हमें उस एक्सरसाइज को 1 to 10 काउंट करने तक अच्छी तरह से प्रॉपर हमें करना है उस एक्सरसाइज को। तो मेक श्योर कि हमें जल्दी में वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे कि हम जल्दी जल्दी में करके उसे कंप्लीट करते हैं। वो करने से हमारे मसल्स में स्ट्रेन होता है, हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिसमें आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा हमें आराम से उस एक्सरसाइज को करना है। सो होप यू कैन एंजॉय, टेक केयर, बाय। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे हम आर्म्स एक्सरसाइज को, रोटेट करेंगे फॉरवर्ड, 1 to 8 काउंट करने तक हम आर्म्स को रोटेट करेंगे, पहले फॉरवर्ड देन रिवर्स। ये आर्म्स की एक्सरसाइज है, जो सिंपल एक्सरसाइज आप अपने घर भी कर सकते हैं, आउटडोर भी कर सकते हैं, इंडोर भी कर सकते हैं। साइड आर्म स्ट्रेचिंग्स, अच्छी तरह से साइड आर्म स्ट्रेच करेंगे, देन रोटेट करेंगे राइट लेफ्ट आर्म को अच्छी तरह से। इससे हमारा शोल्डर अच्छी तरह से स्ट्रेच होता है और हमारा ट्राइसेप। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम शोल्डर को अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे, स्टार्ट करेंगे राइट आर्म से देन लेफ्ट आर्म से। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आर्म्स को अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि आर्म्स से हमने थ्रोइंग करनी होती है, हमने कैच पकड़ने होते हैं, जिससे हमारी आर्म्स और हमारे हैंड्स यूज़ होते हैं। तो अच्छी तरह से हम आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे, अपर आर्म शोल्डर ट्राइसेप अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाए। स्लोली काउंट करेंगे 1 to 10 या 1 to 8 काउंट करने तक अच्छी तरह से आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे। अब हम करेंगे हैंड्स को, लेफ्ट आर्म एंड राइट अप एंड डाउन। सो होप यू कैन एंजॉय, टेक केयर, बाय।